Who's this girl? Barkha? कौन है ये लड़की? Barkha. वो एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं बताती हूँ. ये इंद्रजीत के गांव की लड़की है. आपको पता है गांव वाले क्या करते हैं? शहर के लड़कों से शादी कर देते हैं और लड़के शहर में आके छोड़ देते हैं लड़कियों को भटकने के लिए. इसके साथ भी ऐसा ही हुआ और बेबी इसे घर ले आई. वो अपने पेरेंट्स के घर भी तो जा सकती है ना. आई मीन आफ्टर ऑल एक लड़की है और कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर उसके घर वाले आपको ही दोष देंगे. एक्चुअली इसके घर वालों ने इसे रखने से इनकार कर दिया है. अरे वो आपका बेटा निखिल है ना? Here he is. Actually, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए वो नीचे नहीं आया. What's wrong? Suddenly आप लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है. दरअसल we are a little upset with this girl, you know. देखो ना, बेबी ने इसे पनाह दी, रहने को जगह दी, अपना एक कमरा दिया, खाने पीने का ख्याल रखा और फिर भी ये हमारी बात मानती नहीं है. इसे कहा था अपने कमरे से मत निकलना, देखो घूम रही है सारे घर में. एक्चुअली इन लोगों की यही प्रॉब्लम है. मुफ्त की कोई चीज मिल जाती है ना इन लोगों को तो उसकी वर्थ नहीं समझते हैं. Exactly. और फिर ये लड़की तो आपकी गेस्ट भी नहीं है, फिर इसकी नखरे क्यों सह रहे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से तो ना इससे पूरे घर का कामकाज कराइए. जिसकी जगह जहां होती है ना उसे वहीं रखना चाहिए. प्यार इनसे हजम नहीं होता है. जरा सा प्यार और इज्जत दे दो ना फिर तो ये सर पर चढ़कर नाचते हैं. मैं भी बरखा से यही कह रही थी, यू हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट विद हर, बट यू नो माय बेबी शी इज सो सॉफ्ट हार्टेड और इसी चीज का फायदा उठा रही है वो. सेम फोन बज रहा है, कहाँ है आपका ध्यान? नथिंग, कुछ नहीं. हाँ बस वो फोन गिर गया था. मुझे ना बहुत जोर का सर दर्द हो रहा है बेबी. कैन यू टेक मी एंड शो मी व्हाट पेन किलर्स यू हैव? एक्सक्यूज अस सर प्लीज. यू ओके मॉम? या या आई विल बी फाइन, आई जस्ट नीड अ पेन किलर. कम बेबी. या सो हम बात कर रहे थे. निखिल ने उस गवार लड़की से शादी कर ली है. उस लड़की को कितना समझाया था कि कमरे से बाहर नहीं आएगी. ना बताने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना, आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही है और उन्हें क्या पूरी दुनिया को पता चलेगा. And I'm telling you, ये embarrassment की सिर्फ शुरुआत है. We need to be prepared for much more. हम ऐसा नहीं होने देंगे बेबी. तुम बस, तुम इस वक्त चुप रहो बस. How can I, Mom? You have to. अगर उन्हें पता चल गया तो
जानती हो आयशा पे क्या बीतेगी? क्या वो लोग समझ पाएंगे कि निखिल ने उस कुमार लड़की से शादी क्यों की है? आप समझ रही हैं? बेबी, वो लोग तो निखिल के ही कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे ना, और अगर भगवान ना करे हो सकता है वो ये शादी ही तोड़ दे, फिर आयशा पे क्या बीतेगी? इसीलिए मैं कह रही हूँ बेबी, इस वक्त तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। मॉम, ये प्रॉब्लम आयशा और सिद्धार्थ की मैरिज तक रिलेटेड नहीं है। हमें इसका सामना हर रोज हर घड़ी करना पड़ेगा, और अगर उनको शादी के बाद पता चलेगी ये बात तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सोचा आपने? और तब तो ये सिचुएशन हैंडल करनी और भी मुश्किल। मैं सिर्फ इस वक्त चुप रहने को कह रही हूँ बेबी। हम उस लड़की को घर से निकाल देंगे, ये शादी शादी है ही नहीं। लेकिन मैं उस लड़की को भेजने से मना कर दिया हूँ। आई डू, ये तुम्हें करना होगा बेबी। यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर वे आउट, और कोई चारा नहीं है हमारे पास, यू अंडरस्टैंड? अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही है? मोन्ना बड़ा घबरा रहा है, लाजू की खबर नहीं आई अभी तक। काहे चिंता कर रही, वहाँ सब ठीक ठाक है, बैठो बैठो बैठो। हम अनुराधा चीची से पूछ कर आते हैं, छोट से आ जाएंगे, खबर आई होगी। का वक्त हो रहा, देख रही हो? ये वक्त जाओगी तो उनके घर जोगी होंगी, देर तक जोगी रहती है। हम बस पूछ के ना, छोट से आ जाएंगे, आप खाइए, हम आते हैं अभी पूछ के। सर सती, ये इंद्रजीत के गांव की लड़की है। आपको पता है गांव वाले क्या करते हैं? शहर के लड़कों से शादी कर देते हैं और लड़के शहर में आके छोड़ देते हैं लड़कियों को भटकने के लिए। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। हेलो इशाना, थैंक गॉड यार तुमने फोन किया। क्या हुआ निखिल, व्हाट्स रॉन्ग? ठीक तो है ना तुम? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं ठीक हूँ। वो श्रेया की आ रही है ना, वो बर्थडे आ रहा है ना, तो मैं कह रहा था कुछ प्लान करते हैं। निखिल, लेकिन श्रेया के बर्थडे को तो पूरा एक महीना बाकी है। हाँ हाँ, सॉरी, वो तो है। मूवी देखने चलोगे कल? उसके बाद डिनर भी चल सकते हैं। नहीं निखिल, लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी? उसके बाद शॉपिंग भी चल सकते हैं। वो वसंत विहार में मॉल नहीं खुला नया? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या हुआ इशाना? बोलो। तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना? Never leave me. Never, Nikhil. Never. पर निखिल, उस लड़की का क्या, उसके बारे में कुछ सोचा है तूने? I mean, you have to correct that mistake, right? मेरे ख्याल से तो ना इससे पूरे घर का कामकाज कराइए। एक्चुअली जिसकी जगह जहाँ होती है ना, जहाँ होती है ना, उसे वहीं रखना चाहिए, वहीं रखना चाहिए। मैं भी ना एक नंबर का बेवकूफ हूँ। वो तो तू है, इसमें नया क्या है? इशाना, तुम्हारा जो ये बेवकूफ है ना, जितनी भी गलतियां की है मैंने, सब ठीक कर दूंगा। डोंट वरी, आई प्रॉमिस। टेक केयर, बाय।
भूल जा। खाना किसके लिए? लाजो के लिए। शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पे, जाने तक तुम प्लीज अपने कमरे से बाहर मत निकलना। तुम्हारा खाना और सब मैं गुंजा के हाथ भिजवा दूंगा। गुंजा दिखा तो ले जा क्या रही है उसके लिए। आई थिंक समथिंग्स मिसिंग। क्या? तू मुझ पे छोड़ दे, मैं ऐड कर दूंगा। मैं लेके जाऊं? श्योर, ठीक है, मुझे जाके ऐड करके आता हूँ। लाजो, क्या हुआ? आई नो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। सॉरी। आई नो वो जो आयशा की मदर इन लॉ है, मेरा मतलब उसकी सासू माँ है, वो उन्होंने फालतू बोला, गलत थी वो। इनफैक्ट गलत तो मैं भी था। लाजो मुझे ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, बट फैमिली मैटर्स हैं, तुम समझ रही हो ना? अब जो होना था वो तो हो गया, कुछ करके कोई फायदा भी तो नहीं है ना। खाना लाया हूँ तुम्हारे लिए, बहुत भूख लगी होगी। आओ बैठो। नहीं, हमको नहीं खाना। कम ऑन लाजो, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी। तुम्हारा गुस्सा जायज है, खाने से क्या रूठना? हमको भूख नहीं है। अच्छा प्लीज ट्राई करके देख लो। देखो आई नो तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है, थोड़ा बोरिंग और फीका है, बट इट्स वेरी हेल्दी। टेस्ट करोगे तो जरूर अच्छा लगेगा। चलो कम से कम देख तो लो। इतनी सारी मिर्चियां लेके बैठ गई हो, एक भी खा पाओगी? नहीं, चलो भूख लगे तो खा लेना। अरे पता कितने दिनों से ढूंढ रहा हूं मैं इस बुक को। ये बुक यहाँ क्या कर रही है? हमको नहीं पता, खुद उड़ के आ गई होगी यहाँ पर। निखिल ने जो भी किया, I mean it's sad, rather I'm really surprised।
कि वो तुम्हारे साथ ऐसे कर कैसे सकता है। छोड़ो अब जो भी हुआ, खैर इन बातों क्या फायदा, अब जो भी सामने है वही सच है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा है। यार कुणाल, यू डोंट नो निखिल, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। अगर अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे लगता है कि वो प्रॉब्लम में है और वो किसी और की प्रॉब्लम अपने सर पे ले लेता है। और वो इस टाइम किसी के बारे में नहीं सोचता, यहाँ तक कि अपने बारे में भी नहीं। यार ऐसा भी क्या भूलना, इंसान अपने खुद के प्यार को भूल जाए और उसके चक्कर में किसी और से शादी भी कर ले। What about his own love? मैं निखिल की जगह होता तो मैं कभी नहीं छोड़ता, अपने प्यार को कभी नहीं छोड़ता। यार कुणाल, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद निखिल। मुझे एक बात बता, तुम सब थे ना वहां पर, लेकिन क्या तुम सब में से किसी ने भी उस लड़की को हेल्प की? नहीं ना। इनफैक्ट अगर शायद मैं वहां होती तो मैं भी उसे हेल्प नहीं करती, लेकिन निखिल ने उसे हेल्प की और यही बात निखिल को हम सबसे अलग करती है। And that's why I love him. निखिल ने उस लड़की को भेजने से मना कर दिया है मॉम। ये तुम्हें करना होगा बेबी, यू हैव टू डू इट। लाजो कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। आप मानो या ना मानो, मैंने ये शादी की है पूरे गांव के आगे और पंचायत के सामने, और मैं इस शादी को नहीं झुठला सकता। जब निखिल तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है तुम उसे दूर कर देती हो, बगैर कुछ कहे सुने तुम ये जाहिर कर देती हो कि तुम उसे पसंद नहीं करती। आखिर और कब तक, और कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तुम उसके साथ इस तरह बिहेव करती रहोगी? तुम क्या चाहती हो? हमने आकाश को तो खो दिया, अब हम निखिल को भी खो दें? आकाश को निखिल की वजह से? काम था आपको? Everyone tells me that I don't love you enough. I'm unfair to you. Maybe I am. पर मैं तुम्हारे साथ उतनी अनफेयर नहीं रही निखिल, जितनी की जिंदगी मेरे साथ रही है। जिंदगी मेरे साथ कहीं ज्यादा क्रूर रही है। उसने हमसे आकाश को छीन लिया,
मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे दूर कर दिया। इतना दूर कि मैं आज यहां पहली बार तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिमांड्स। आज पहली बार मांग रही हूं। आई एम एक्चुअली बेगिंग यू। इस लड़की को वापस छोड़ा, वापस छोड़ा, वापस छोड़ा, वापस छोड़ा। यू नो, खत्म कर दो इस शादी को।